देख रहे हो जूते की हालत। शुरू हो गया कातिल चीज। हो सो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेते जो कि है नेपाल में, मुस्तांग में, लोअर मुस्तांग में। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों कहानी जो है यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहानी शुरू होती है पता है कहाँ से? पोखरा से। तो फटाफट चलते हैं पोखरा, और पोखरा से फिर यहाँ पहुँचते हैं, आपको लेकर के आते हैं इन खूबसूरत वादियों में। सो चलिए गाइज निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी मुक्तिनाथ। भाई हमारे साथ प्लेन बन के जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट दे रहा था अपने चेतक को, तो टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, 11 बजने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 175 किलोमीटर की जर्नी है आज की राइड। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं क्योंकि स्नोफॉल हुआ पड़ा है। वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और ये था हॉस्टल जहाँ पे हम रुके हुए थे, जो हॉस्टल की प्रॉपर्टी है पोखरा में। चलिए राइड को शुरू करने से पहले एक गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा, या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। बोलिए शिव जी महाराज की जय। और ये हॉस्टल जो है ये है सैदी विलेज है पोखरा में, उसके पास। भाई साहब बवाल नज़ारा है यार, बवाल नज़ारा है ये। देखते हैं इतनी अच्छी सड़क पे कब तक चलना होता है अपना, कब तक खैर मनाएगा बेटा शशांक, कब तक। क्योंकि आज जो राइड करने हम जा रहे हैं ना, हम मतलब कि मैं और मेरा एक फ्रेंड बनाया है हॉस्टल में, कॉटेल ने, वो पिलियन बन के जा रहा है। तो आज की जो राइड होने वाली है ज़बरदस्त होने वाली है। पता चला है गांव में स्नोफॉल गिरा है। हा मज़ा आएगा क्योंकि कल पूरे दिन पोखरा में बारिश हुई है। कल ही मैं निकलने वाला था लेकिन बारिश के चक्कर में हम नहीं निकल पाए। तो हमारा परमिट का जो था हमने तो 1 महीने का बनवा लिया है। यहाँ का जो मुक्तिनाथ का परमिट था आप बढ़वा सकते हो, जितना दिन भी कर सकते हो, लेकिन वन टाइम। अगर एक बार एग्जिट कर गए आप तो फिर नहीं, जितने दिन अंदर जाकर रहना चाहते हो रह सकते हो। तो वो बनवा लिए थे। हमारा एंट्री कल का था लेकिन हम आज जा रहे हैं। देखते हैं अगर पुलिस वाले साहब कुछ बोलेंगे, कोई दिक्कत करेंगे तो सब कुछ आपको व्लॉग में हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको देखने के लिए, बहुत कुछ आपके थाली में आज आपका दोस्त परोसने वाला है। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नाग डांडा और यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। एग्जैक्ट 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने अभी तक ट्रैवल कर लिया है, जहाँ पे हम रुके होते हैं हॉस्टल पोखरा। तो अभी तक का जो नज़ारा था आपने देखा, काफ़ी खूबसूरत था। तो फटाफट आता है ब्रेकफास्ट जो कर रहे हैं हम, दिखाते हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जिस जगह पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहाँ से क्या नज़ारा आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है। वेट आज का ब्रेकफास्ट रहा ये। तो नेपाल में ब्रेड तो नहीं मिला हमें कहीं, लेकिन ये एक अलग डिश दिखी है, देख रहे हो, चने की मतलब वो क्या फ्राइड, और इसके साथ ऑमलेट। तो फटाफट खाते हैं, ख़त्म करते हैं इन नज़ारों को देखते हुए, निहारते हुए। तो दोस्तों अभी हम नाश्ता करके निकले हैं। बिल बन गया था हमारे नाश्ते का नेपाली रुपीज़ में 360, जो हमने ऑमलेट खाया उसका, और चना का जो खाया था वो, और 60 रुपीज़ 2 टी का, मिल्क टी का। सही था। अगर आप एक्सप्लोर करके आगे आना चाहते हैं पोखरा से तो आप आकर रुक सकते हो। ये है विलेज का नाम है पत्थर चौक, पत्थर विलेज के नाम से ये जगह है। तो आप यहाँ पर भी आके स्टे कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल शांति चाहिए। सेक्युलेटेड विलेज जो बोलते हैं, अगर एकदम शांति वाली जगह ढूंढ करके रहना चाहते हो तो आप आ सकते हो और आकर के रुक सकते हो। नया पुल, ये एक पेट्रोल पंप अच्छा दिखा, जो कुछ खूबसूरत दिख रहा है, साफ क्लियर। पेट्रोल 130 7 रुपीज़/लीटर। बाबा फुल कर दीजिए ना। हाँ किधर जाएगा? मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ था। अभी तो बहुत ठंडा होगा यार। हाँ ठंडी तो होगी। बर्फ गिर गया होगा। हाँ अच्छा। क्या बोलता है हिंदी में? बर्फ बोलता है आइस। बर्फ इंग्लिश में आइस, स्नो। स्नो यार। हाँ 1080 रुपीज़ का हो गया, 7.88 लीटर नेपाली रुपीज़ में। तो गाइस अभी एक बंदा था जो पेट्रोल पंप पे, उसने बताया कि लास्ट आप जो है फिल अप जो है बेनी में करवा लेना, उसके बाद मुक्तिनाथ की तरफ बढ़ना। धौलागिरी प्रवेश द्वार। ओके यहाँ से धौलागिरी शुरू हो चुका है। ये रास्ता देख करके बिल्कुल स्पीति एंड लद्दाख की याद आ रही है। लिटरली स्पीति एंड लद्दाख की मुझे याद आने लगी इन रास्तों को देख के। देख लो क्या है यार, कहाँ आ गए यार। ऑफ रोड शुरू हो गया लेकिन नज़ारे खूबसूरत हो गए। और बारिश हुई है आज सुबह तक, तो स्लश अच्छा खासा हो गया है रोड पे। तो आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। चल भाई भाई साहब। तो ये है अच्छा खासा स्लश, बड़े प्यार से निकालना होगा अपने बाइक को, बहुत प्यार से। भाई अच्छा खासा है स्लश। यही तो सब करने के लिए अपन निकले हैं। भाई को उतार दिया है, वो वॉक कर करके आएंगे भी। दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं पर्वत जो कि बेनी में आता है उस जगह से। तो यहाँ पे अच्छे खासे होटल्स हैं, होम स्टेज हैं। तो अगर आप यहाँ भी रुकना चाहते हो तो आप आकर के यहाँ भी स्टे कर सकते हो। देख रहे हो यार नज़ारे हैं यार। जैसे जैसे हम मुक्तिनाथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑफ रोड बढ़ता जा रहा है और नज़ारे भी उसी के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। Heartily welcome to Gangaleshwar Dham. On the way to Muktinat, only 300 meters from here. Okay. जय हो गलेश्वर धाम की जय। सही है यार, सही है, मज़ा आ रहा है यार, राइड करके मज़ा आ रहा है। अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है, मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको यार। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जोमसोम की तरफ, और जो शुरू हुआ है ऑफ रोड, कम से कम लगता है 25-30 किलोमीटर से हम लोग ऑफ रोड ही चल रहे हैं। और ऑफ रोड तो छोड़ो, स्लश है पूरा, बारिश हुई है तो पूरा स्लश हो चुका है। कैसे होगा जी भैया, निकलेगा कैसे? चलो लेट्स गो। भाई साहब यार, भयंकर वाला स्लश है यार। इधर खिचड़ी बना हुआ भैया, रास्ता का खिचड़ी। ये सब स्लश जो है भाई साहब, रोड ही पता नहीं चल रहा, दिक्कत ये रोड पता नहीं चल रहा है। ओ भाई धीरे चला ले, चलेगा, ज़्यादा नहीं है। इधर से घुसाते हैं। जय माता दी, तू ही है सहारा भाई, लग गए। ओ भाई मचा गया। इधर आजा। इधर ऊपर आ जरा। हाँ जी, तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुका, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के आसपास राइड कर ली। 55 नहीं 80 हो चुका है। हाँ 94 बज रहा है ना, तो 80 हो चुका है। अब वो 80। हाँ सो अभी जो हमने राइड की है, इतना ज़बरदस्त वाला स्लश था भाई साहब, देखा होगा अभी अपने वीडियो में। मज़ा आया भाई को, मैंने उतार दिया था, तो उतर जा रहे, तो गिरेंगे तो दोनों खूबसूरत बन जाएंगे। तो कम से कम एक तो संभल कर रहे, कम से कम एक तो ना भीगे। लेकिन सही सलामत आपका भाई चेतक को लेकर के निकल गया, और जो स्लश से अभी गुजर के आए, देख लो ये वाली जगह है, ये पूरा स्लश से निकल के आ रहे हैं हम। गजब का रास्ता है भैया, गजब का रास्ता है, गजब की राइड हो रही है भैया। विथ पिलियन चल रहा है भाई हिमालयन चेतक अपना। मैं रिकमेंड करूंगा पिलियन मत आना भैया, नहीं पिलियन को भी दिक्कत होगा और आपको भी दिक्कत होगा। चलिए जी, अपनी बारी आ गई है परीक्षा की, चलते हैं। भाई साहब क्या गड्ढा था यार, ओह माय गॉड। मुस्तांग इतना भी आसान नहीं बाबा जितना पब्लिक सोचती है, और बारिश हो जाने के बाद तो और नहीं। दिस इज माई मिस्टेक, पिलियन के साथ नहीं आना चाहिए था। नहीं, ये रास्ता पिलियन के साथ जाने का नहीं है बाबा, क्योंकि पिलियन को भी बार बार उतरना पड़ेगा, उसको भी दिक्कत हो रही है और मुझे भी खींचने में दिक्कत आ रही है। ये देखो, देख रहे हो जूते की हालत दोनों तरफ। डाउन 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 डाउन। वाह अरे चेतक, वाह पिलियन के साथ तो इतना बढ़िया से चल रहा है यार। देख रहे हो यार ये माउंटेन्स, देख रहे हो, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। जैसे ट्रैकिंग करते हैं ना हम, वैसे ही पसीना होने लगता है, गर्मी होने लगता है, सब उतारना पड़ता है। वैसे ही बाइक को भी चलाने में वैसा ही प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण हो रही है अच्छी खासी गर्मी। इधर पता था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़े पहन लिए थे। अरे यार रुक जा बाबा, हमको भी, अरे यार ये क्या कर रहा है। वो कैसे निकाले तब ना, दोस्तों आज मैंने पैनियर्स वगैरह सब हटा दिए हैं, सिर्फ टॉप बॉक्स में कैमरा के गैजेट्स लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इन रास्तों पे पैनियर्स और टॉप बॉक्स के साथ सोलो होता तो फिर भी ट्राई किया सकता था, पिलियन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता बाबा। सो अब भी अगर मुक्तिनाथ मुस्तांग ये सब करना चाहते हो तो अपना जो लगेज है ना वो ड्रॉप कर देना। आप राइडर हो तो आपको पता ही होगा मैं क्या बता रहा हूँ। जियो बेटा जियो बेटा जियो बेटा जियो, हैस हैस आओ आओ बेटा आओ जियो। क्या है झूला झूल रहा है, ओए होए 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 क्या झूला झूल रहा है यार। ऐसे माउंटेन मुझे नज़र आते हैं कसोल के आसपास। अभी मैं पहुंच चुका हूं, टाइम हो रहा है 2:03:12। टिपलियांग मागडी के नाम से ये जगह है और हमने अभी तक पोखरा से राइड कर ली है। ऑलमोस्ट 90 टू 95 किलोमीटर के आसपास हम पोखरा से आगे आ चुके हैं। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, अभी डबल, मतलब इसके जितना आए हैं उतना अभी और जाना है हमें। और भाई ने लगाया हुआ मैप तो उस पर गूगल माता ने बताया है कि 4 बजे तक अगर कंटिन्यू चलते रहोगे तो मुक्तिनाथ 7 बजे तक पहुंच जाओगे। 4 बजे बोल रहा हूँ, 7 बजे तक पहुंच जाओगे। अगर हम सुबह सुबह निकल गए होते 7 बजे तक तो अभी शायद हम मुक्तिनाथ में होते, अगर स्नो नहीं हुआ वहाँ तो।